ये है मेरे पास, इसको कहते हैं फोटो कंट्रोलर, या इसको हम कह सकते हैं फोटो स्विच सेंसर। तो ये सेंसर बेस्ड एक चीज़ है मेरे पास, कि इसको मैं पूरा डिटेल दे दूंगा इसकी, इस चीज़ की। आप लोग देखो, ये तीन वायर इसको इनपुट जा रही हैं। ये असल में इनपुट नहीं है, इसको एक इनपुट है, एक आउटपुट है, एक अर्थ है इसके अंदर से। वो आप नॉर्मली जो भी हमारा इलेक्ट्रिशियन भाई होगा उसको पता होगा कि रेड हमारा फेज आता है, वाइट हमारा न्यूट्रल आता है, और ब्लैक हमारा अर्थ आती है। मुख्तलिफ कलर्स में मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन हमें मिलाए जाते हैं ये चीज़ें। तो काम इसका क्या है ये बताना है मुझे। इसका काम यह है कि आजकल आप लोगों को पता होगा कि बिजली हमारी महंगी गई हर जगह पे। कुछ लोग अब ग्रीन एनर्जी के साइड जा रही हैं, तो कुछ लोग अब बिजली सेविंग के साइड जा रहे हैं, जहाँ पे ग्रीन एनर्जी का कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। या स्ट्रीट लाइट्स हम घरों के अंदर भी लगाते हैं, फ्लड लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, या रोड के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके किसी जगह पे शाम के टाइम खुद ही लाइट लाइट ऑन होता है, शाम के टाइम खुद ही लाइट ऑन होता है। वजह क्या होता है, वो लाइट ऑन कैसे होता है? वो जो सोलर एनर्जी वाली होती है, ठीक है, तो उसके अंदर लगा के होता है यही फोटो कंट्रोलर सेंसर। तो या इसको हम कह सकते हैं फोटो स्विच। नॉर्मली आप इन चीजों से आप इसको सर्च कर सकते हो। फोटो स्विच आप सर्च करो गूगल पे, आपको निकल के आएगा। फोटो स्विच आप यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको निकल के आएगा। ये मैंने ऑर्डर किया था बहुत टाइम पहले, तो मुझे इसकी रियलिटी टेस्ट से दिखाना था, फिर मुझे कुछ टाइम में बिजी लग गया। तो आप लोगों को पता है बहुत सारे काम होते थे, मैं इसका वीडियो नहीं दे पाया। तो इसकी रियलिटी ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो अपने घर को, आउटसाइडर सारे लाइट्स को, आउटसाइड के सारे लाइट्स को, तो जहां जहां पे भी आपको वो लाइट लगानी होगी, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितना वाट का है, ठीक है। ये है मेरे पास अभी 7 एम्पियर का, ये जो है ये 7 एम्पियर का है। तो अगर आपके पास 50 एम्पियर की लाइट होगी, उस हिसाब से आप लोगों को ये देखना होगा, 50 वाट की लाइट होगी, वो देखना होगा कि वोल्टेज कितनी है, क्या है, उस हिसाब से आपको ये चीजें ऑर्डर करना है और परचेज करना है, फिर इंस्टॉल करना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज लग सकता है इसमें, अपग्रेडेड अप एंड डाउन लग सकता है। मगर मामला एक चीज में कॉमन है, कि कॉमन ये है कि अगर आप चाहते हो अपने घर को इंडिपेंडेंट रखना, जहां आपको बिजली के साथ हाथ ही नहीं लगाना है, तो ये काम करता है उस जगह पे। ये खुद आपकी लाइट को, बाहर वाले लाइट उसको ऑन करेगा और खुद ही ऑफ करेगा, आपको हाथ में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे ये काम करता है ऐसा, कि ये जो आउटपुट और इनपुट हमारा है, ये दो, इसको हमने यहाँ से इनपुट दिया, ये इसका आउटपुट है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि इसको लाइट के ऊपर रखना है। लाइट अगर हमने मानो हमारा लाइट जो है ना, वो इसके नीचे रहनी चाहिए, ये ऊपर की साइड हमें हैंग करना है, जैसे भी हम रखेंगे इसको टांग के, तो लाइट नीचे रहेगी, तो लाइट खुद ही बंद हो जाएगी। ये डिपेंड करता है सोलर एनर्जी पे ही, ये कवर करता है किस चीज को, जो हमारे सनराइजेस हैं, ये उस बेस पे सेंसर बना हुआ है। सनराइजेस को ये क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है उस चीज को। जब भी पूरा इस एरिया कश्मीर के अंदर अगर मैं हूँ, मान इंडिया के अंदर हूँ, तो जब भी हमें यहाँ पे अंधेरा छाने लगेगा, तो ये खुद एक्टिव हो जाएगा इसके अंदर से, और आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। तो जब ही सुबह के टाइम होगा, 4-5 बजे, जब भी लाइट थोड़ा थोड़ा दिन का आना स्टार्ट होगा, तो ये खुद ऑफ हो जाएगा उस टाइम पे। तो इस तरीके से हम अपने घर को बिजली बचा सकते हैं, घर के अंदर बिजली को हम इसको इसे बहुत बचा सकते हैं, और खुद इंडिपेंडेंट रहेगा, हमें इसके अंदर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चों का ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है, आप लोग परचेज कर सकते हो किसी भी एक जगह से, लेकिन देख के करना, मुख्तलिफ क्वालिटीज है इसके अंदर, देख के करना। इसमें आपको देखो यहाँ पे दिखता है मुझे, यहाँ पे रेड लाइट जो है ये लोड है, वाइट जो है ये न्यूट्रल है, और ब्लैक जो है ये लाइन है, ठीक है, वही सेम। तो आप इसको समझ सकते हो कैसे क्या है, तो इसमें लिखा है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद जितने भी हमारा इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, वो इसको समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कामों के अंदर। इंशाल्लाह दे विल बी हैप्पी एंड कस्टमर भी खुश रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।